बताएंगे। जयपुर से आ रही है बड़ी खबर, विद्युत वितरण निगम के चीफ इंजीनियर आर के जीनवाल का यह कैसा रवैया, सवाल उठ खड़ा हुआ है। लंबित बिजली कनेक्शन आवेदकों की पीड़ा को ये नजरअंदाज कर रहे हैं। आवेदकों को कनेक्शन मिलने में संसाधनों का रोड़ा अटकाया जा रहा है। शहर के बाहरी इलाकों में और भी बुरे हालात हैं, यहाँ तो 3-3 महीने से बिजली कनेक्शन के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। बिजली के पोल केवल उपलब्ध नहीं होने की बताई जा रही कमियां। इस संबंध में जब चीफ इंजीनियर आर के जिनवाल से संपर्क साधा गया तो जिनवाल साहब ने रूखा जवाब दिया। आखिर बिजली कनेक्शन के आवेदक कैसे बताएं अपनी पीड़ा, क्या वितरण निगम की CMD आरती डोगरा अब कदम उठाएंगी? संसाधनों की कमी से जूझ रही निगम जनता को राहत नहीं दे पा रही। एक तरफ कनेक्शंस में हो रही भारी बढ़ोतरी, दूसरी तरफ अफसर करें टालमटोल। पिछले 15 सालों में बिजली कनेक्शन की संख्या 11 लाख तक पहुंची। बाहरी कॉलोनियों में सबसे ज्यादा आ रहे हैं कनेक्शन के आवेदन, लोगों को कनेक्शन के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। बिजली विभाग के अधिकारी पल्ला झाड़ रहे हैं, बड़ी खबर है। जयपुर जोन के चीफ इंजीनियर आर के जीवनलाल का ये कैसा रुख है, ये भी सवाल है। समस्या का समाधान के बजाय आखिर ये अनजान क्यों बने हुए हैं, बड़ी खबर है इस वक्त की। राम सिंह राजावत हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। राम सिंह, ये आखिर स्थिति क्यों इस प्रकार की बनी हुई है कि विद्युत वितरण निगम के चीफ इंजीनियर आर के जीवनलाल का ये रवैया दिखाई दे रहा है? आखिर क्यों लंबित बिजली कनेक्शंस आवेदकों को ये पीड़ा झेलनी पड़ रही है, बताएं। देखिए, विद्युत वितरण निगम में जो कनेक्शन के लिए लोग भटक रहे हैं, लंबे समय तक उनको कनेक्शन नहीं मिल पा रहे, अधिकारी ये कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं कि संसाधनों की कमी है, कहीं बिजली के पोल की कमी बताकर टरका रहे हैं, तो कहीं केबल की कमी बताकर टरका रहे हैं, तो कहीं ट्रांसफार्मर की कमी। आखिर विद्युत वितरण निगम लोगों को समय पर कनेक्शन नहीं दे पा रहा, संसाधनों की कमी का रोड़ा अटकाया जा रहा है। और अधिकारियों से जब लोगों ने बात की कि साहब ये हमें कनेक्शन नहीं मिल रहे, तो जो चीफ इंजीनियर जिनवाल हैं उन्होंने ये कहकर फोन काट दिया कि अभी समय नहीं है। और ऐसा रूखे जवाब के बाद लोगों ने मीडिया में शिकायत की कि आखिर उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है, जब वे समय पर पैसा जमा करा दिया है, सारी योग्यताएं पूरी कर ली कनेक्शन की, इसके बावजूद उन्हें कनेक्शन देने में देरी क्यों की जा रही है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। प्रीति भी हमारे साथ कनेक्ट है, राम सिंह आप बने रहिएगा। प्रीति, क्या आंकड़े हैं, अगर मैं आंकड़े आपसे समझूं कि आखिर ये क्यों बात सामने आ रही, कि क्या आप CMD को इसमें पहल करनी पड़ेगी, स्थिति क्या है, कितने कनेक्शन ऐसे हैं जो लंबित पड़े हैं, और ज्यादातर ये आंकड़े कहाँ के हैं? जी आशीष, मैं आपको ये बता दूं कि पहले से प्रदेश जो है 200 लाख यूनिट बिजली की कमी प्रदेश भर में चल रही है, जिसको लेकर जो है वो कार्य कर रहा है लगातार। जो आरती डोगरा मैम है वो लगातार बैठकें भी ले रही है, लेकिन वहीं जो कुछ मामले जो इस तरह के सामने आ रहे हैं, जहां पर बहुत से जगह पे ऐसे मामले सामने आए हैं कि बिजली कनेक्शन को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो लोगों को फेस करनी पड़ रही है। और विशेष तौर पर हम अगर बात की जाए तो बिजली कनेक्शन को लेकर जहां पर ये दिक्कतें आ रही है, वो बाहरी जो सिटी के जो एरिया है वहां के बजाय जो बाहरी आउटर के एरिया जो है वहां पर ज्यादा इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं पे अगर लोग विद्युत वितरण निगम के चीफ इंजीनियर आर के जीनवाल हैं, उनसे कनेक्ट करने की कोशिश की, उन्होंने बातचीत करने की कोशिश की, तो बहुत ही रूखा जवाब उनको दिया गया। तो उसके बाद जैसे ही मीडिया से उन लोगों ने बातचीत की, कनेक्ट होने की कोशिश की, उन्होंने मीडिया के सामने अपनी जो प्रॉब्लम है वो रखी कि इस तरह से या तो उनको बोला जा रहा है कि ट्रांसफार्मर की कमी है, या फिर जैसे वो कनेक्शन को लेकर 3-3 महीने तक लोगों को इधर से उधर भटकना पड़ रहा है। बहुत सी कमियां जो है वो विद्युत तंत्र को लेकर प्रदेश में देखी जा रही है, जिसको लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ रही है लोगों को। और इसको लेकर आखिर जो जनता है जो वो कहाँ जाए, किसके पास जाए, क्योंकि जैसे ही वो अधिकारियों से इस चीज को लेकर शिकायत करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं, तो उनको बहुत ही बेरुखी से जवाब मिलता है, ठीक से बात तक वो नहीं कर पाते हैं अधिकारियों से, क्योंकि इस तरह के जवाब उनको मिल जाते हैं। तो आखिर ये समस्या लेकर, क्योंकि देखिए आशीष, ये कुछ दिनों से जैसे ही मौसम में बदलाव हुआ, वैसे ही गर्मी का जो दौर है वो फिर से लौट आया है। बहुत ही ज्यादा तापमान में भी जहाँ पे बढ़ोतरी हो रही है, तो वहीं
धूप भी गर्मी भी बहुत ज्यादा देखी जा रही है, तो ऐसे में बिजली को लेकर बहुत सारी समस्याएं आ रही है। तो ऐसे में लोग जो है वो बिजली विभाग की तरफ जब रुख कर रहे हैं तो उन्हें ऐसे ही बेरुखी से जवाब दिया जाता है। तो ये बहुत सारे सवाल खड़े करता है बिजली तंत्र पर कि ऐसा क्यों हो रहा है आखिर। बिल्कुल बिल्कुल प्रीति, और ये अपने आप में बड़ा सवाल है और ये सवाल उठते रहने चाहिए। राम सिंह राजावत हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। राम सिंह, आप करीब से इन चीजों को देखते हैं, जब बात संसाधनों की आती है तो ये कहकर आप अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते कि संसाधनों की कमी है, जनता आखिर जाएगी कहाँ, इसकी जिम्मेदारी कोई लेगा या नहीं लेगा, ये टाल मटोल ऐसे ही चलता रहेगा। देखिए, जयपुर शहर के जो आउटर इलाके हैं जहाँ पे बड़ी संख्या में कॉलोनियां जी होती है, वहाँ सबसे ज्यादा डिमांड बिजली कनेक्शन को लेकर जी, और वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमी है बिजली कंपनी के समक्ष, कंपनी वहाँ पे अपने संसाधनों में बढ़ोतरी करने के बजाय लोगों को जो है लटका रही है, अटका रही है कनेक्शन देने में। क्षेत्र के लोग कई समस्याओं से जूझ रहे हैं, बिजली कनेक्शन नहीं मिलने से न मकान बना पा रहे हैं और नहीं मकान का जो है आवश्यक कार्य पूरा कर पा रहे हैं। अधिकारियों से जब संपर्क करते हैं तो ये INSI का बिंदा उच्च अधिकारियों पर टाल देते हैं, उच्च अधिकारी अन्य अधिकारियों पर टाल देते हैं। ये टाल मटोल का जो रवैया है, तो आखिर में लोग कहाँ जाएं, किसको किसे शिकायत करें, ये असमंजस बना हुआ है। बिल्कुल, ये स्थिति अगर बनी हुई है तो सवाल तोड़ते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका राम सिंह जी जुड़ने के लिए। प्रीति, आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो चीफ इंजीनियर आर के जीनवाल का ये कैसा रवैया है भाई, आपका काम है जनता के समस्याओं का समाधान करना, लेकिन आप तो पल्ला झाड़ रहे हैं, ये कब तक चलेगा, ये अपने आप में सवाल है। क्योंकि कनेक्शन की संख्या बढ़ती जा रही है आवेदनों की, लेकिन कनेक्शन मिल नहीं पा रहे, लोगों को 3-3 महीने भटकना पड़ रहा है, ये स्थिति है।